Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अभी हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं एकिलेस टेंडन रप्चर्स के बारे में, और हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और एक होता है ऑपरेटिव या कि सर्जिकल ट्रीटमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कि उसमें होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या है और वो हम किस पॉपुलेशन में कर सकते हैं। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है ये ट्रेडिशनली काफी पहले किया जाता था, बट इट वॉज एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ रीरप्चर, तो जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेज आउट हो गया था। बट क्योंकि सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी थे तो इसकी वजह से ये फिर भी लोग कई करते थे। आजकल नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से ये वापस इसका एक रिसर्जेंस हुआ है एज अ वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, हम कोशिश करते हैं कि ये जो टेंडन्स है ये बस आपस में किसी तरह से जुड़े रहे और नेचर इसको हेल्प करे इसकी हीलिंग में। तो ये कॉमन और ये पॉसिबल है जो नॉन इंसर्शनल एकिलेस रप्चर हमने बताए हैं उनके बारे में। और नॉन इंसर्शनल एकिलेस रप्चर में भी ये वो पर्टिकुलर सबसेट जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उनको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी है। अगर हम बोले तो जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं या फिर जो होममेकर्स हैं या जो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, दे आर नॉट एथलीट्स। क्यों? क्योंकि इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मसल की पावर है वो थोड़ी सी कम रह सकती है। अगर ये पेशेंट अंडरस्टैंड करता है तो डेफिनेटली नॉन ऑपरेटिव एक अच्छी ऑप्शन है। एंड व्हाई इज इट समटाइम्स बेटर देन एन ऑपरेटिव आल्सो, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व इन नॉन ऑपरेटिव एक्सेप्ट फॉर वीकनेस या रीरप्चर जो है सर्जिकल रिस्क नहीं होते। तो बट अगेन मैं यही बात हाईलाइट करूंगा कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ नॉन इंसर्शनल एकिलेस रप्चर में है। जो टेंडन ऑलरेडी खराब है, जिनका इंसर्शन से रप्चर हुआ है, उसमें नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। नॉन ऑपरेटिव पहले हम करते थे तो फिर हम उसमें 6 हफ्ते के लिए कास्ट दे देते थे एंकल को प्लांटर फ्लेक्स में, यानी कि जो एंकल है वो पूरा का पूरा ऐसे रहेगा ताकि वो टेंडन आपस में जुड़े रहें। उस पोजीशन में हम एक कास्ट लगाते थे, ट्रेडिशनली वो 6 हफ्ते के लिए लगाते थे, बट देखा गया कि वो 6 हफ्ते का जो कास्ट होता है उसमें रिस्क ऑफ रीरप्चर बहुत ज्यादा है। तो अभी वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी हद तक चेंज हो गई है। तो अभी हम करते हैं जो कंडीशन, उसको हम कहते हैं इस ट्रीटमेंट मोडालिटी को फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। तो फंक्शनल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि शुरू में हम एक कास्ट लगाते हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है, और उसके बाद एक रिमूवेबल बूट लगा देते हैं। सो रिमूवेबल बूट जिसके अंदर हम थोड़ा सा वेजेस डाल के, ताकि एंकल की पोजीशन हमेशा ऐसी ही रहे इन प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन, या फिर जिसमें टोज जो है वो नीचे रहे एडी के कंपैरिजन में। उसमें पेशेंट को हम जल्दी ही चलाना शुरू कर देते हैं, वी मेक द पेशेंट वॉक। हम कर क्या रहे हैं, हम मसल को लोड कर रहे हैं, क्योंकि मसल अगर कमजोर तभी होगी अगर हम मसल को लोड ना करें। तो मसल को हम लोड कर रहे हैं जब वो पेशेंट चलता है, और एक अप्रोप्रिएट टाइम पे यानी कि 2 से 3 हफ्ते के बाद हम थोड़ा फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, जिसमें जो ऑलरेडी रप्चर मसल है उसकी हम स्ट्रेंथनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, उसकी हम स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जो रप्चर एंड्स है वो दूर हो जाएंगे, बट हम उसमें स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई और ज्यादा बढ़ रही है, और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी जो है मसल की वो भी बढ़ रही है, वो उसकी हीलिंग में और ज्यादा हेल्प करता है। तो आजकल कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसमें ये देखा गया है कि रीरप्चर रेट आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यूजिंग फंक्शनल रिहैबिलिटेशन इज एज लो एज आफ्टर सर्जरी। बट डेफिनेटली यस, एक प्रॉब्लम है नॉन इंसर्शनल एकिलेस रप्चर के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, वो है कि मसल की स्ट्रेंथ हो सकता है 19-20 कम रह जाए। तो अगर किसी की 100% पावर है ऑपरेटेड साइट में, तो हो सकता है कि वो 100 से 85 या 90% रह जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओके विद दैट, बट एथलीट्स
and those who want to engage in any kind of competitive sport, उसके लिए ये options बहुत ज़्यादा viable नहीं है, तो उस केस में हम surgery की बात करते हैं. Non-operative treatment using functional rehab का एक और फायदा जो है वो यही है कि उसमें surgery के risk involved जो है वो zero है. तो अगर patient इस बात को समझता है तो हाँ, definitely हम non-operative treatment भी try कर सकते हैं. जो बूट है वो 6 से 8 हफ्ते तक रहता है और उसके बाद भी पेशेंट को एक हील वेज के साथ या एक न्यूट्रल फुट के साथ शुरू हम एक्सरसाइज करते हैं और टोटल रिकवरी जो है इसमें किसी भी एक्लिस रप्चर में आफ्टर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कैन वेरी बिटवीन 3 to 6 मंथ्स. ये था नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फंक्शनल रिहैब के सहारे एक एक्लिस टेंडन रप्चर का, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्लिस टेंडन रप्चर की सर्जरी के बारे में. थैंक यू वेरी मच.